एवरीवन, वेलकम टू ब्रूनम्स किचन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी, चना दाल के दाल वड़ा की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। यहाँ पर मैंने एक पाव जितना चना दाल को 6 से 7 घंटे भिगाकर रख दिए थे। जितना अच्छे से ये भिगेंगे उतने ही अच्छे आपके दाल वड़ा बनेंगे। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। आपको इसे एकदम फाइन नहीं पीसना। 2 हरी मिर्च डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इसे ब्लेंड कर ले, 3-4 बार मिक्सर को चलाकर इसे निकाल ले। आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है। एक बाउल में निकाल ले। अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, थोड़ा कटे हुए करी पत्ता डाल देंगे, कटे हुए धनिया पत्ती डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा डाल ले, इससे वड़ा का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा को हाथों में मसल कर डाल दें। तीन चार स्पून बेसन डाल दें। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से करें, और ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाए ताकि मेरी हर रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से बाइंड भी हो रहा है। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। हाथों को तेल से ग्रीस कर ले और इस तरीके से शेप देकर टिक्की जैसा बना लेंगे। अगर आपका वड़ा बाइंड नहीं हो रहा तो 1/2 स्पून आप बेसन ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से लड्डू बनाकर फ्लैट कर दे। सभी को इसी तरीके से हम बना लेंगे। अब हम पैन में तेल ले लेंगे और अच्छे से तेल को गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब सभी वड़ा को हम आराम से तेल में डाल देंगे। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर जब तक ये क्रिस्पी और ब्राउन नहीं हो जाते तल लेना है। हम सभी ने फोत्रा वाली मक्के दाल के दाल वड़ा ज़रूर से ट्राई करे हैं। ये चना दाल का वड़ा उसका ऑल्टरनेटिव है। इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, या फिर आप इसे फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ खाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं, तो आप इसे झटपट से कभी भी बनाकर खा सकते हैं। स्पेशली बारिश और ठंडी के मौसम में इसे आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप फोत्रा वाली दाल वड़ा की रेसिपी देखना चाहते हैं, उसकी रेसिपी के लिंक वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चेक ज़रूर से करें। हमारे दाल वड़ा फ्राई हो चुके हैं, आप इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और स्वादिष्ट बने हैं। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।